BEW 101 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मेजरमेंट की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 6 के विषय में पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है एसी तथा डीसी पावर तथा ऊर्जा व्यय पर आधारित प्रश्न। एसी एंड डीसी पावर प्रॉब्लम्स ऑन एनर्जी कंजम्पशन। उद्देश्य, आज के उद्देश्य हैं, पहला डीसी पावर तथा उसका सूत्र ज्ञात करना, एसी पावर तथा उसका सूत्र ज्ञात करना, एसी तथा डीसी पावर में अंतर, परिपथ में ऊर्जा व्यय तथा उस पर आधारित सांख्यिक प्रश्न। शक्ति, जैसा कि आप जानते हैं, जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ में जो प्रतिरोध होते हैं उसमें ऊर्जा व्यय होती है। इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए कई घरेलू तथा औद्योगिक उपकरण पदार्थों को गर्म करने के काम आते हैं, जैसे हीटर, ओवन, प्रेस आदि। अब आप चित्र देखिए, इस चित्र में एक ओवन दिखाया गया है। ये इलेक्ट्रिकल ओवन है जिसके अंदर लोहे की छड़े हैं, इनको गर्म किया जा रहा है। उसी तरह से ये एक और चित्र है जिसमें ये भी इलेक्ट्रिकल ओवन है जिसके अंदर पदार्थ आप रख सकते हैं और ये गर्म हो जाएंगे। अगर ज़्यादा गर्म करेंगे तो पिघल भी जाते हैं, तो ये पिघलने के काम भी आता है। ये भी चित्र है जिसमें इलेक्ट्रिकल ओवन दिखाए गए। तो ये इलेक्ट्रिकल ओवन जो है किसी प्लांट में लगा हुआ है, तो इसके अंदर से जो चीज़ें निकलती हैं वो गर्म होती जाती हैं। उसी तरह से इस चित्र में देखिए, इस चित्र के अंदर ये कन्वेयर बेल्ट है, इस बेल्ट में कई सारी चीज़ें लटकी हुई हैं और ये इस ओवन में से जा रही हैं। जब ये ओवन में से जाएंगी तो ये ड्राई हो जाएंगी, सूख जाएंगी। ये चित्र इलेक्ट्रिकल प्रेस का चित्र है। आप सब लोग जानते ही हैं, जो घरों में आप कपड़े प्रेस करने के लिए प्रेस यूज़ करते हैं वो यही प्रेस है। इसका सिद्धांत भी इसी पे आधारित है कि जब किसी प्रतिरोध में धारा बहती है तो प्रतिरोध गर्म हो जाता है और उस गर्मी का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पर कपड़े प्रेस करते हैं। अब देखिए, ये एक और चित्र है। ये एक ओवन है जिसके अंदर एक पंखा लगा हुआ है और उसके सामने जो है हीटर का एलिमेंट है। तो जब हम हीटर में करंट भेजेंगे तो हीटर का एलिमेंट गर्म होगा और जब पंखा चलेगा तो गर्म हवा ये कमरे के अंदर या जहाँ पर इसको प्रयोग कर रहे हैं वहाँ फेंकेगा। तो इसको कहते हैं ब्लोअर, हॉट ब्लोअर है ये। हीटर कम, फैन का काम करता है। उसी तरह से ये एक और हीटर है, ये भी इंडस्ट्रियल हीटर टाइप का हीटर है। काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर पावर है और काफ़ी ज़्यादा ये गर्मी भेजता है। दिष्ट धारा परिपथ में ऊर्जा व्यय केवल वोल्टेज तथा धारा के गुणनफल के बराबर होती है, परंतु प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यह शक्ति गुणांक पर भी निर्भर करती है। आगे हम बताएंगे आपको कि शक्ति गुणांक क्या होता है। अब डीसी शक्ति, डीसी पावर के बारे में बताएंगे। जैसा आप देखते हैं, अक्सर घरों में आप कई तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसके अंदर आपको डीसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एडाप्टर कहते हैं या एलिमिनेटर कहते हैं, ये उसी तरह का चित्र देखिए। ये भी एक एलिमिनेटर का चित्र है, जिससे पीछे से आपको सप्लाई देनी है। तो एसी सप्लाई देंगे तो वो अंदर जाके डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये भी एक एडाप्टर का चित्र है जो कई जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे कैलकुलेटर वगैरह चलाने में काम आते हैं। ये भी एक पावर सप्लाई का चित्र है जिसमें ये नॉब्स दिख रहे हैं ऊपर, इसमें जब सप्लाई देंगे
तो ये डीसी कन्वर्ट कर देगा उसे। ये एक डीसी सप्लाई के अंदर का चित्र है, इसके अंदर रेक्टिफायर्स लगे हैं, ट्रांसफार्मर्स लगे हैं, तो ये सब उसके अंदर के चित्र हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दिष्ट धारा परिपथ में जब धारा प्रवाहित करती है तो प्रतिरोध में शक्ति व्यय होती है और विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे प्रतिरोध गर्म हो जाता है। दिष्ट धारा शक्ति का मान वोल्टेज तथा धारा के गुणनफल के बराबर होता है और इसकी इकाई वाट होती है, W इज इक्वल टू वी इंटू आई। ओम के नियम का प्रयोग करते हुए इस शक्ति के सूत्रों को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, जैसे W बराबर आई स्क्वायर आर, क्योंकि V इज इक्वल टू आई इंटू आर ओम के नियम के अनुसार, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि W बराबर V स्क्वायर बाई आर, जहाँ पर V जो है वोल्टेज है, I इसके अंदर धारा है, करंट है, और R प्रतिरोध है। अब प्रत्यावर्ती धारा शक्ति AC पावर, घरों में जो सप्लाई आती है वो AC सप्लाई है, और जो इक्विपमेंट आप घरों में यूज़ करते हैं वो सब AC सप्लाई से चलते हैं, AC पावर से चलते हैं। देखिए इस चित्र में 220 वोल्ट की AC सप्लाई जा रही है, जिससे आप कंप्यूटर और बल्ब वगैरह प्रयोग कर रहे हैं, तो ये AC पावर है, और ये मोटर है जो कि AC पावर से चलती है। तो इसमें आप सप्लाई देंगे AC, तो ये AC पावर जो है वो आपको मैकेनिकल आउटपुट देगी। उसी तरह से इसमें कई तरह के छोटे छोटे मोटरें दिखाई दिए हैं। अब आप इस चित्र में देखिए, ये कार के अंदर का इंजन है और इसमें एक अल्टरनेटर लगा हुआ है, ये जो बेल्ट दिख रही है आपको, इस बेल्ट के साथ जो है एक अल्टरनेटर लगा हुआ है। ये अल्टरनेटर जो है AC शक्ति प्रोवाइड करता है, ये AC सप्लाई देता है, और इसको DC में बदलकर कार के अंदर हॉर्न, लाइट और बाकी सारे सामान आप प्रयोग करते हैं। उसी तरह से इस चित्र में देखिए, इसके अंदर एक मोटर के अंदर के पार्ट्स दिखाएं, जिसमें आप रोटर भी देख रहे हैं और वाइंडिंग भी देख रहे हैं, तो ये भी जो है मोटर के अंदर के पार्ट हैं, जो कि AC मोटर है। अब इस चित्र में देखिए, इस चित्र में एक छोटा सा जनरेटर दिखाया गया है जो कि हाथ से चलता है, और इस जनरेटर को चलने से इलेक्ट्रिकल सप्लाई AC सप्लाई मिलती है, और उस AC सप्लाई से ये जो बल्ब है ये जलता है। तो ये एक तरह का AC जनरेटर है जो AC सप्लाई को जनरेट करता है। अब देखिए इस चित्र के अंदर आप क्या देखते हैं, इसमें एक पवन चक्की है, एक सोलर पैनल है, इन दोनों से जो है हम सप्लाई लेते हैं, उस सप्लाई से हम बैटरी को चार्ज करते हैं, और बैटरी को चार्ज करके हम जब ज़रूरत होती है तो इस तरह से बल्ब या और जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको यूज़ करते हैं। अब इस चित्र में देखिए, इस चित्र के अंदर जैसे कैलकुलेटर से दिख रहा है, ये एक जो है वाटमीटर है, पावर नापने के काम आता है, इसे बोलते हैं वाटमीटर। और देखिए यहाँ पर ये पावर बता रहा है 30.67 मिली वॉट, तो किसी सर्किट के अंदर जो पावर है उसका मान हम इस वॉट मीटर से ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में आगे हम आपको आगे बताएंगे। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति का मान वोल्टता वी, धारा आई तथा शक्ति गुणांक कॉस फाई के गुणनफल के बराबर होता है, पी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। वोल्टता तथा धारा के बीच का कोण को फेज एंगल फाई कहते हैं। दिष्ट धारा परिपथ में इस कोण का मान हमेशा शून्य होता है, क्योंकि धारा तथा वोल्टता एक ही दिशा में रहते हैं। अब देखिए इस चित्र के अंदर वोल्टेज और करंट
के बीच में एक एंगल है, फेज एंगल फाई। इस फेज एंगल फाई को हम फेज एंगल बोलते हैं, और इसी का जो कॉस कंपोनेंट है, कॉस फाई जो है वो हमारा पावर फैक्टर है। तो शक्ति का सूत्र हो गया W इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, या हम ये भी कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, जहाँ कॉस फाई लोड का शक्ति गुणांक, I जो है वो करंट है, V वोल्टेज है, और R जो है वो प्रतिरोध है। दिष्ट धारा विद्युत ऊर्जा DC एनर्जी। अब बताएंगे आपको कि DC एनर्जी क्या होती है। अभी तक हमने बताया था आपको पावर, अब एनर्जी की बात आती है। दिष्ट धारा परिपथ में ऊर्जा व्यय, विभवांतर, वोल्टेज, धारा तथा समय T का गुणनफल होती है। तो ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा बराबर VI इंटू T। जो पावर थी वो V इंटू I थी, यहाँ पर T से गुणा कर दिया तो ये ऊर्जा हो गया। तो विद्युत ऊर्जा VI T, और इसकी जो यूनिट है वॉट इंटू आवर। T जो है वो घंटों में होता है टाइम, इसलिए वॉट इंटू आवर। शक्ति की व्यावसायिक इकाई वॉट है, जो कि जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। ऊर्जा की इकाई SI में जूल तथा व्यावसायिक कमर्शियल उद्देश्यों के लिए किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर होती है। विद्युत ऊर्जा बराबर V इंटू I इंटू T, अगर से 1000 से डिवाइड कर दें, भाग कर दें, तो ये किलोवाट आवर हो जाएगी। तो ये हमारा विद्युत ऊर्जा जो है वो किलोवाट आवर में आ जाएगी। प्रत्यावर्ती धारा विद्युत ऊर्जा या AC एनर्जी। अब हम आपको बताएंगे कि AC एनर्जी क्या होती है। इस चित्र में देखिए, ये चित्र एक AC जनरेटर का है, जो घरों में अक्सर लोग यूज़ करते हैं। बिजली जब चली जाती है तो जनरेटर चलाते हैं, तो ये एक बिजली का स्रोत है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसी तरह से इस चित्र में देखिए, ये भी एक डीजल से चलने वाला एक जनरेटर है। तो ये जो जनरेटर है, ये विद्युत ऊर्जा को जनरेट करता है। ये क्वांटिटी इनकी कम है, ज़्यादा पावर नहीं होती, ज़्यादा एनर्जी ये दे नहीं सकते। अब आप ये चित्र देखिए, ये एक बड़ा जनरेटर है जो कि थर्मल पावर स्टेशन के अंदर लगा हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, विद्युत ऊर्जा। उसी तरह से ये देखिए, एक छोटा डीजल जनरेटर है जिसकी पावर उससे कम है। ये डीजल से चलता है, और जब डीजल इंजन चलता है तो उससे जनरेटर लगा रहता है, कपल्ड रहता है, और जनरेटर जो है वो AC सप्लाई देता है, जिसका प्रयोग हम लोग घरों में करते हैं। अब इस चित्र में देखिए, ये एक छोटा सा जनरेटर है जो कि लैब के अंदर प्रयोग किया जाता है, और इस पर कई तरह के प्रयोग होते हैं। उसी तरह से ये चित्र देखिए, ये डीजल जनरेटर है, ये बड़ा जनरेटर है जो कि शिप्स वगैरह में लगता है। इस तरह के जनरेटर का प्रयोग भी, जो स्टीमर्स हैं, शिप्स हैं, उसके अंदर जो विद्युत उपकरण हैं उनको चलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने आपको कई तरह के एनर्जी के सोर्स दिखाए। अब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ऊर्जा व्यय, विभवांतर, वोल्ट, धारा I, शक्ति गुणांक कॉस फाई तथा समय T के गुणनफल होती है। ऊर्जा की इकाई SI में जूल तथा व्यावसायिक कमर्शियल उद्देश्यों के लिए किलोवाट घंटा होती है। जैसे DC में होता है वैसा ही AC में होता है। फर्क सिर्फ यह है कि AC के अंदर जो विद्युत ऊर्जा है VI इंटू कॉस फाई इंटू टी होती है, जबकि उसके अंदर सिंपल VI और T के बराबर होती है। यूनिट इसमें भी किलोवाट आवर है। अब हम आपको बताएंगे कि ऊर्जा मापन और गणना, मेजरमेंट
एंड कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा मापने के लिए ऊर्जा मापी एनर्जी मीटर का प्रयोग करते हैं। हमारे घरों में ऊर्जा मापी घर में प्रयोग किए गए विद्युत उपकरणों में ऊर्जा व्यय की गणना करता है। अब आपको कुछ चित्र दिखाते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के ऊर्जा मापी एनर्जी मीटर हैं। सबसे पहले देखिए, ये एक एनर्जी मीटर है जो अक्सर आपने अपने घरों में देखा होगा, ठीक है। इसी तरह से एक और एनर्जी मीटर है, देखिए ये भी एनर्जी मीटर है, किलोवाट आवर, लेकिन इसके अंदर स्केल डायरेक्ट नहीं है, इसके अंदर छोटे छोटे जो हैं वो गेयर्स होते हैं और इन गेयर्स के साथ पॉइंटर कनेक्ट होते हैं। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग गेयर्स हैं, उसमें अलग अलग पॉइंटर्स हैं, उसके ऊपर स्केल दिया हुआ है। इनकी रीडिंग नोट करेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा कि कितनी एनर्जी हमने कंज्यूम की। तो ये आजकल कम यूज़ होते हैं, तो आजकल जो यूज़ होते हैं डिजिटल टाइप के, देखिए इस टाइप के एनर्जी मीटर आपने देखा होगा, ये 3-phase 4-wire स्टैटिक एनर्जी मीटर है, ठीक है। इसी तरह से और एनर्जी मीटर दिखाते हैं, देखिए ये भी एक डिजिटल टाइप का एनर्जी मीटर है, इसका प्रयोग भी इंडस्ट्रीज में और घरों में किया जाता है। ये भी एक और एनर्जी मीटर है, लेकिन इसमें खास बात यह है इसमें एनर्जी के साथ साथ पावर भी बता रहा है। ऊपर वाला जो स्केल है वो 4 watt पावर आ रहा है, उसके बाद किलोवाट आवर के अंदर एनर्जी बता रहा है और उसकी क्या टोटल रीडिंग है वो रीडिंग भी आ रही है। उसी तरह से ये भी एक डिजिटल जो है एनर्जी मीटर है जिसका प्रयोग भी ऊर्जा मापी की तरह से किया जाता है। ऊर्जा मापी एक ऐसा मीटर है जो ऊर्जा व्यय को जोड़ता जाता है और दिए हुए समय में कुल ऊर्जा व्यय का मान बताता है। ऊर्जा व्यय को यूनिटों में मापा जाता है, एक यूनिट बराबर 1 kWh। कहने का मतलब है कि अगर 1 kW 1000 watt के लोड को 1 घंटे तक शक्ति प्रदान करें तब 1 kW ऊर्जा व्यय होगी। अब आपको बताते हैं कि ऊर्जा व्यय किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो अब है ऊर्जा व्यय पर आधारित प्रश्न, न्यूमेरिकल ऑन एनर्जी कंजम्पशन। प्रश्न 1, एक 2 kW की मोटर, 500 watt का हीटर तथा 750 watt की एक विद्युत प्रेस एक साथ 230 वोल्ट की लाइन पर जोड़े जाते हैं। तीनों को एक साथ 4 घंटे तक प्रयोग करने पर विद्युत ऊर्जा की कीमत ज्ञात कीजिए। यदि विद्युत ऊर्जा की दर 80 पैसे प्रति यूनिट हो, तो इसके अंदर आपको सामान दिया गया है कि कई सारी चीज़ें बिजली से चल रही हैं, अब हमें उसकी टोटल वैल्यू कैलकुलेट करने की, टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई और उसमें कितने पैसे खर्च हुए। तो दिया है मोटर की शक्ति 2 kW, तापक जो हीटर है उसकी शक्ति 500 watt, जिसको अगर हम किलोवाट में कन्वर्ट कर लें तो 0.5 kW, मतलब 1000 से हमने भाग दे दिया उसको। उसी तरह से विद्युत प्रेस की जो शक्ति है 750 watt है, अगर 1000 से डिवाइड कर दिया तो 0.75 kW। अतः मोटर, तापक और विद्युत प्रेस की कुल शक्ति P = 2 + 0.5 + 0.75 3.25 kW। तो ये पावर हो गई। अब हमें एनर्जी निकालनी है, 4 घंटे में व्यय कुल ऊर्जा यूनिट्स में P × 4, तो P की वैल्यू है 3.25 × 4 बराबर 13 kWh या यूनिट। तो 13 यूनिट का जो है वो खर्चा आया और विद्युत ऊर्जा की दर 80 पैसे प्रति यूनिट है, तो व्यय हुई ऊर्जा की कीमत 13 × 80 पैसे
बराबर 10 रुपये 40 पैसे। तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि जो एनर्जी कंज्यूम हुई है उसकी जो कॉस्ट है वो 10 रुपये और 40 पैसे। अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं, प्रश्न 2। इसमें है, एक माह में घरेलू विद्युत सप्लाई का विवरण निम्न है। 60 वॉट के 5 बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे जलते हैं। 40 वॉट की 4 फ्लोरोसेंट ट्यूब्स प्रतिदिन 2.5 घंटे जलती हैं और 1.5 किलोवाट का हीटर प्रतिदिन 2 घंटे जलता है। यदि प्रति यूनिट ऊर्जा की कीमत 1.50 रुपये हो तो मई माह में विद्युत ऊर्जा की कीमत क्या होगी। तो मई का महीना है मतलब 31 दिन है, तो अब हमें निकालना है कि ऊर्जा की क्या कीमत होगी। तो सॉल्यूशन है, हल है, दिया है 5 बल्बों द्वारा मई माह 31 दिन में व्यय ऊर्जा। तो एनर्जी वन जो है वो 5 बल्ब हैं, 60 वॉट के हैं और 6 घंटे जले और 31 दिन जले। तो 5 × 60 × 6 × 31 / 1000, तो एनर्जी आ गई 55.8 किलोवाट आवर। उसी तरह से 4 ट्यूबलाइट द्वारा व्यय ऊर्जा E2 बराबर 4 × 40 40 वॉट के × 2.5 2.5 घंटे × 31 दिन / 1000 बराबर 2.4 किलोवाट आवर। अब एक हीटर है, हीटर द्वारा व्यय ऊर्जा E3 1.5 किलोवाट का है, 1000 से गुणा करके इसको वाट में कन्वर्ट कर लिया तो 1.5 × 1000 × 2 2 घंटे जलता है और 31 दिन जलता है और 1000 से भाग कर दिया तो 93 किलोवाट आवर। तो इस तरह से 93 किलोवाट आवर ऊर्जा कंजम्पशन है हीटर में। तो अब हमें कुल देखना है, तो एक माह में कुल व्यय ऊर्जा E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 बराबर 55.8 प्लस 12.4 प्लस 93 इक्वल टू 161.2 किलोवाट आवर घंटा। तो ऊर्जा का कुल मूल्य 1.50 रुपये की रेट से कितना होगा, 161.2 × 1.50 बराबर 241.80 रुपये। तो ऊर्जा का कुल मूल्य 241.80 रुपये हुआ। तो इस तरह से एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी महीने में कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है। तो इस तरह से हम एनर्जी मीटर के द्वारा इस एनर्जी को माप सकते हैं। अब आपको बताया जाएगा कि क्लास असाइनमेंट की कक्षा में आपको क्या कार्य करना है। तो इसमें कार्य है कि यदि एक मोटर की रेटिंग 2 किलोवाट है और वह 8 घंटे के लिए प्रयोग किया जाता है, यदि विद्युत का मूल्य 2 रुपये प्रति किलोवाट घंटा है तो महीने भर का विद्युत खर्च निकालिए। तो जिस तरह से हमने अभी कैलकुलेट किया था उसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है और बताना है कि आपने किस तरह से इस एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। सारांश, तो इस अध्याय में आपने प्रत्यावर्ती धारा शक्ति तथा दिष्ट धारा शक्ति के विषय में पढ़ा तथा विद्युत परिपथ में ऊर्जा मापन तथा महीने भर में होने वाली ऊर्जा व्यय पर आधारित सांख्यिक प्रश्नों का हल करना सीखा। अब आपको बताया जाएगा कि आज आपको कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है। आपको आज प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल नंबर 6। उसका उद्देश्य है, दिए गए लोड इलेक्ट्रिकल हीटर 1 किलोवाट का है के साथ वोल्टमीटर और एमीटर के कनेक्शन करना व करंट तथा वोल्टेज मापना। इसके लिए सबसे पहले जो आवश्यक यंत्र हैं वो देखिए, आपको चाहिए सीरीज टेस्टिंग बोर्ड, एमीटर MI टाइप
0 से 10 एम्पीयर वाला, एक वोल्ट मीटर चाहिए MI टाइप 0 से 300 वोल्ट वाला, हॉट प्लेट चाहिए 1 किलोवाट की, और आपको एक DPST स्विच चाहिए, नाइफ स्विच। अच्छा, अब इसके बाद सबसे पहले आप देखिए कि सर्किट डायग्राम क्या है। तो ये सर्किट डायग्राम है, इस चित्र में दिखाया है, जिसके अंदर AC सप्लाई है, एक DPSC स्विच लगाया है, और एक एमीटर कनेक्ट किया है, और हॉट प्लेट लगी हुई है, और उसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो आपको पहले सबसे पहले कनेक्शन करने हैं, तो उसके लिए प्रोसीजर देखिए, पेपर पर कनेक्शन डायग्राम बनाएं और उसे पहले चेक कराएं, और दूसरा चित्र के अनुसार हीटर का यंत्रों के साथ कनेक्शन करें और उसे दोबारा चेक कराएं। चेक कराने के बाद ही आपको स्विच ऑन करना है। अब स्विच को ऑन करें और वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग प्रेषण तालिका ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करना है। इसके लिए सबसे पहले देखिए, एक बार फिर से सर्किट डायग्राम देखिए। इस तरह के सर्किट डायग्राम बनाते समय आपको सबसे पहले देखना है स्विच। यह स्विच जो है ओपन कंडीशन में दिखाया गया है, और इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि स्विच किस तरह से क्लोज्ड है। ये देखिए, क्लोज कंडीशन में स्विच है। तो सबसे पहले आपको स्विच के कनेक्शन करने हैं। इसमें एक तरफ इनपुट सप्लाई देनी है और वहाँ से आउटपुट सप्लाई देनी है। जो आउटपुट सप्लाई जहाँ पे दी गई है, वहाँ से आपको एक हीटर कनेक्ट करना है, और एक एमीटर कनेक्ट करना है, और एक वोल्टमीटर कनेक्ट करना है। उसके बाद अब आपको रीडिंग लेनी है। जब तक स्विच आपका बंद कंडीशन में है, मीटर्स में कोई रीडिंग नहीं आएगी। देखिए, इसमें एमीटर की रीडिंग 0 है, उसी तरह से इस चित्र में देखिए जो वोल्टमीटर है उसकी रीडिंग 0 है। अब आपका स्विच को बंद करना है। स्विच बंद करने के बाद अब देखिए, स्विच आपने बंद किया, हीटर गर्म होना शुरू हो गया, लाल हो गया, और अब आप रीडिंग लीजिए। एक एमीटर है, एक वोल्टमीटर है। देखिए, यहाँ पे चित्र में आपको एमीटर और वोल्टमीटर दिखाए गए हैं, और दोनों के अलग अलग रीडिंग्स हैं। जो एमीटर की रीडिंग है वो करीब 3.64 एम्पियर है, और जो वोल्टमीटर की रीडिंग है वो करीब 205 वोल्ट है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको ये रीडिंग्स नोट करनी है। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, इस टेबल में आपने रीडिंग्स नोट कर दिए। तो यहाँ दो तरह की रीडिंग है, एक तो एक्चुअल रीडिंग है। अगर 220 वोल्ट सप्लाई लगाएं तो 4.45 एम्पीयर्स करंट फ्लो होती है, लेकिन वोल्टेज हमने 205 वोल्ट लगाया है, तो उसके हिसाब से जो करंट है वो 3.64 एम्पीयर्स की करंट फ्लो होती है। तो इस तरह से हमने निष्कर्ष निकाला कि जब हीटर के टर्मिनल पर 205 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, तो उसमें 3.64 एम्पीयर्स की करंट फ्लो होती है। इसके द्वारा हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि इस जो हीटर है उसका प्रतिरोध कितना है, तो वो भी चाहें तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आपको लैब में आज ये एक्सपेरिमेंट करना है, और सबसे पहले आप सर्किट डायग्राम बनाएंगे, कनेक्शन चेक कराएंगे, उसके बाद कनेक्शन डायग्राम के हिसाब से कनेक्शंस करेंगे, फिर कनेक्शन को चेक कराएंगे, स्विच को ऑन करेंगे, उसके बाद एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग नोट करेंगे, और वो ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर आप लिखेंगे। इस तरह से आपको पूरा एक्सपेरिमेंट आज लैब के अंदर जाके करना है। धन्यवाद।